जी, तो इसी तरह से हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को सबसे पहले तो कलेक्ट करना है, फिर उसको प्रोसेस करना है, फिर रिपोर्ट करना है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है। ठीक है, कलेक्ट कैसे होगा, हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को लेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं उससे हमारे पास हासिल होगा। प्रोसेसिंग क्या होगा कि हमने उसको प्रोसेस करना है, उसको अलग अलग से करना है। ठीक है, उनकी चीज़ों चीज़ों को अलग अलग से हमने उसको करना है। ठीक है, और इंटरप्रेट एनालाइज करना है। एनालाइज जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, ये एनालाइज हम करते हैं इसको कि उसके ऊपर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए कि ये प्रॉफिट में जा रहा है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, और आगे से ये इसी वाले से इंटरप्रिटेशन की जाती है। और इसी बार नेक्स्ट हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन आगे दी है। सेकेंड नंबर पर द सिस्टम प्रोवाइडिंग, ये हमारे पास क्या है, जी क्या है जी, द सिस्टम प्रोवाइडिंग क्वालिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पीपल हु नीड सच इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई करना है हमने, मेजरिंग, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट ऑफ ऑल, ठीक है जी, इंफॉर्म्ड जजमेंट डिसीजन यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि हमने मेजर करना है किसको और कम्युनिकेट करना है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, यानी कि जिसको रुपए पैसे के अंदर हम मेजर कर सकेंगे, जिसको हम किसी भी करेंसी के अंदर रिपोर्ट कर सकें, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाएगी या इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कहलाएगी। और दूसरे लोगों को हमने इन्फॉर्म करना है कि वो इसकी बेस के ऊपर डिसीजन कर सकें। ये हमारे पास बेसिकली पर्पस है अकाउंटिंग का, जो हमारे पास डेफिनेशन जो हमारी बुक में दी गई है या सिलेबस में अंदर शामिल है, वो बिल्कुल ईजी है, वो आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। एक मिनट प्लीज, जी तो इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास मॉनिटरी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन के हवाले से बताया गया है कि मॉनिटरी इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस क्या होती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर किसी भी लेन देन को हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शन कहलाती है। कोई भी लेन देन बिजनेस के अंदर क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांजैक्शन कहलाती है। और ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से प्रोसेस करते हैं, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, हम क्या करते हैं उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि तरतीब के साथ, जिस तरह से हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही है उस तरह से हमने उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या है जी, हमने रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग सबसे पहले जो मरला है अकाउंटिंग के अंदर, ये जो वो क्या है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट हमारे पास उसके पास है क्लासीफाइंग का। क्लासीफाइंग क्या करते हैं, ये काइंडली मेरा अपना कैमरा बंद करें प्लीज। जी बंद है मेरा कैमरा, अभी ओपन हुआ था इसी वजह से मैंने किया जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या करते हैं, हम हर एक इसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंट्स जो होते हैं ना उसको हम सेपरेट करते हैं, और उनसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और क्लासिफाई और रिकॉर्डिंग में ये भी होता है समटाइम, बल्कि पहले हम रिकॉर्डिंग से पहले भी हम कुछ चीज़ें क्लासीफाई कर चुके होते हैं कि भाई कौन से चीज़ को हमने किस रिकॉर्ड को हमने किस हवाले से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के हमारे पास पांच मेन हेड्स हैं, एसेट्स, और उसके बाद एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम एंड उसके बाद लाइबिलिटी इनकम एंड ऑनर्स इक्विटी। तो हम रिकॉर्ड करने से पहले इन चीज़ों के अंदर क्लासीफाई ऑलरेडी कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं इसी में क्या है, सेम नेचर की जो है हमारे पास रिकॉर्डेड जो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सेपरेट किसके अंदर कर रहे होते हैं हम, वो और समराइज कर रहे होते हैं थर्ड और सेकेंड नंबर पर ही, हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, लेजर के अंदर। लेज फर्स्ट नंबर वाली हमारे पास जो ट्रांजेक्शन यानी रिकॉर्डिंग करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, वो होती है हमारे पास डे बुक, जिसको हम बोलते हैं जर्नल, जनरल जर्नल, ये डिफरेंट टाइप के और जर्नल हैं। और क्लासीफाइंग हम करते हैं और समराइज करते हैं किसके अंदर जाके, हम करते हैं लेजर के अंदर।
जिसमें हर एक काउंटिंग हेड को जितने भी बार भी वो यूज हो चुका है इसके अंदर उसको उतनी बार हम लिख देते हैं एक किसी एक लेजर के अंदर, जो भी उसका रेलिवेंट लेजर होता है उसमें जाके जितनी बार डेबिट हुआ है जितनी बार वो क्रेडिट हुआ है तो उसके अंदर लिखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से मुख्तलिफ आगे हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फिर आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो, ठीक है। तो फिर उससे हम क्या कर रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन उससे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या की जाती है, इंटरप्रिटेशन की है। इंटरप्रिटेशन से ये मुराद है कि उससे ये देखा जाता है कि ये बिजनेस किस 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 सूरत हाल के अंदर है, बिजनेस की सिचुएशन क्या है, क्या बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्या मजीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बिजनेस की क्या सूरत हाल है, यानी कि आप एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, अपनी जो आपकी राय है वो देते हैं किस बेस के ऊपर, जो आप ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख चुके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास एक कंसेप्ट है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग किसको बोलते हैं, अकाउंटिंग के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास बुक कीपिंग स्टार्ट होती है, यानी कि आप कह रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग कहलाती है, यानी कि बुक कीपिंग ये है कि आपने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, सिर्फ रिकॉर्डिंग मनीटरी ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारे पास क्या कहलाता है जी, इस तरह की डेफिनेशन भी दी गई है कि बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मनीटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन प्रॉपर मैनर, यानी कि प्रॉपर तरीके से सिर्फ आप रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहा जाता है। क्या आपने सोर्स डॉक्यूमेंट से इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, यानी कि मनीटरी ट्रांजेक्शन जितने भी हमारे पास है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको उठाकर रिकॉर्ड कर देना है, हमारे पास ये क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। इस तरह की हमारे पास ये एक और डेफिनेशन भी दी गई है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने, ये क्या कहा हुआ है जी, हमें ये बताया है कि इस हवाले से, बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है जी, हमारे पास रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है जी। ये बताएं यहाँ तक जो कुछ मैंने आपको बताया है, जो कुछ डिस्कस किया आपको, उसकी समझ आई है या नहीं आई जी स्टूडेंट्स, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इस हवाले से जी सर? कुछ लोग कह रहे थे हमें स्टार्ट में पता नहीं चल रहा था, हमें चीजों की समझ नहीं आ रही, तो इसलिए चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा, तो आगे हमारे पास है बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है जी, तो और अकाउंटिंग, अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, दोनों को हम पैर लेकर चलें तो किस तरह करेंगे, तो बुक कीपिंग आपके पास एक स्मॉल पार्ट है अकाउंटिंग का, ठीक है, यानी कि बुक कीपिंग जहाँ पे एंड हो जाती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपने जहन में रखना है। बुक कीपिंग एक स्मॉल पार्ट किसका है, अकाउंटिंग का है, तो इसके लिए यही है जी, इस तरह के हमारे पास ये मेंशन है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, ठीक है ये, तो इसी तरह से तो हमारे पास हम कहते हैं सिर्फ इसका जो हमारे पास फंक्शन है बुक कीपिंग का, किसने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग वर्सेज अकाउंट, जिस तरह के हम देख चुके हैं कि स्मॉल पार्ट है अकाउंटिंग का बुक कीपिंग, जिस तरह से अकाउंटेंसी का स्मॉल पार्ट क्या है, छोटा सा हिस्सा क्या है, अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी एक वास्ट टर्म है, एक बड़ी टर्म है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास तमाम किस्म के चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह जितने भी किस्म की अकाउंटिंग की से रेलिवेंट चीज़ें हैं वो सब की सब इसके अंदर आ जाती हैं। और इसमें हमारे पास क्या देख सकते हैं, टैक्सेशन और उसके साथ साथ बुक कीपिंग, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। जबकि अकाउंटिंग के अंदर क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड तैयार करते हैं, और खासतौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, पास्ट जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम मेंटेन करते हैं, उसका हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं जी। ये अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी का पता चल गया जी आप लोगों को, जी स्टूडेंट्स हेलो जी सर, जी सर समझ आ गया। ओके तो ये थोड़ा दोबारा बताइए,
अकाउंटिंग आपका स्मॉल पार्ट है, टिनी पार्ट है किसका? अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी एक वास्ट टर्म है, अकाउंटेंसी एक वास्ट फील्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। ये इसका हमने ये चीज इसके अंदर डिस्कस की है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो कि हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग है। सम टाइम हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजेरियल अकाउंटिंग को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है जी हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या है जी हमारे पास? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है जी? हमने पास्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है, और फिर उनसे हमने क्या करना है, रिजल्ट हासिल करना है। क्या ये जो प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या लॉस में जा रहा है? और ये जो हम ये रिजल्ट हासिल करते हैं किसी खास टाइम पीरियड के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल एक मंथ के लिए हो सकता है, या फिर ये हमारे पास एक क्वार्टर के लिए, 3 मंथ्स के लिए हो सकता है, या फिर ये 6 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए हो सकता है। ये जो खास टाइम पीरियड होता है इसको अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। ये स्पैन ऑफ टाइम को, खास टाइम को जिसका हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है जी? कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मकसद है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसकी कॉस्ट को हम सही तरह से कैलकुलेट कर सकें और कॉस्ट को हम कम से कम कर सकें और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। और हम वेस्ट को, हमारे लॉस जितने भी हो रहे हैं मटेरियल का, टाइम का और लेबर का, जितना भी इसको कम किया जा सके, ये हमारे बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट मैनेजरियल अकाउंटिंग भी इसी तरह, मैनेजरियल अकाउंटिंग भी तकरीबन यही चीज़ है। इसके अंदर भी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं अपनी तमाम आने वाले प्रोडक्ट्स के हवाले से, तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स के हवाले से अज्यूमिंग कॉस्ट निकालते हैं, फर्जी कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसकी बिना पर हम मैनेजमेंट जो आपकी होती है अपर मैनेजमेंट ये की उसके ऊपर की डिसीजन लेती है कि किस क्या प्रोडक्ट नई जो है वो लॉन्च की जाए, नई प्रोडक्ट बनाई जाए या नया प्रोसेस शुरू किया जाए या ना किया जाए। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये इससे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है ये इंटरनली यूज़ होती है बिजनेस के अंदर, ये एक्सटर्नल यूज़र के लिए इस्तेमाल नहीं होती। और फिनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरनल यूज़र भी इसको यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को और एक्सटर्नल यूज़र भी यूज़ करते हैं जी। आपको समझ आ गई जी इस चीज़ की? ये ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग जो डिस्कशन जी, उसके बाद ये जी प्लीज सर ये एमसीक्यूज में आ सकता है ना? इतना ज्यादा नहीं आएगा आपको, हल्का फुल्का आ सकता है। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो हमारे जब हम अकाउंट जब एमसीक्यूज को तब डिस्कस करेंगे जब हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल ये आपको समझाने के लिए बात की जा रही है ताकि आपके कंसेप्ट थोड़े से बिल्ड हो जाए और आप अपने बुक्स को आसानी से समझ सकें, ठीक है। क्यों उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, कोई बैकग्राउंड नहीं आपका बनाया जा रहा है उस जो भी वो लेक्चर जिस तरह उन्होंने तरतीब दिए हुए आपके, जबकि मैं आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन जितनी भी जो एमसीक्यूज वाली चीज़ें हैं हम उसके अंदर जाके डिस्कस करेंगे जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के हमारे पास क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले जो हमारे पास है कि हमने क्या करना है, फिनेंशियल डाटा को सही तरह से रिकॉर्ड करना है, यानी कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है ताकि ये रिलायबल हो सके, कल को लिए ये रिलायबल हो। और सेकंड नंबर में हमारे पास ये है कि इसका प्रॉब्लम कि अकाउंटिंग इसलिए भी ज़रूरी है, हमने कुछ लोगों से पैसे लेने हैं और कुछ के पैसे देने हैं, ठीक है, ताकि इन चीज़ों का हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, किसको कब हमने पैसे दे दिए और किससे कब हमने पैसे ले लिए, और हम दिवालिया होने से सॉल्वेंट जो हम हमारे पास सॉल्वेंसी से बच सकें। और उसके बाद नेक्स्ट ही हमारे इसका थर्ड नंबर में हमारे पास है कि हमारे पास कैश कितना पड़ा है उसको हम वेरीफाई कर सकें। अब किसके ज़रिए? ट्रांजेक्शन के ज़रिए। क्या जितना हमारे पास कैश है क्या इतना ही हमने अर्न किया है, इतना ही हमने कैश जनरेट किया है, कि ऐसा तो नहीं है कैश कम हो और जनरेट हमने या कैश हमने कमाया ज़्यादा हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है जी, हम टैक्सेस को पे करने के लिए टैक्सेस के हवाले से हम क्या करते हैं, और गवर्नमेंट उनके साथ अगर कल को हमारा कोई
तनाजा हो जाता है कि आपने लोगों ने टैक्स पे कम किया या ज्यादा टैक्स पे नहीं किया जो उतना आपका बनता है, भले कम टैक्स पे कर दिया, तो उस हवाले से हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन हो ताकि हम प्रूफ के तौर पे यूज कर सकें इसको। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसके दरमियान, कस्टमर और बिजनेस के दरमियान या बिजनेस और सप्लायर के दरमियान, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो सकती हैं, ये डॉक्यूमेंट्री सबूत हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पर यूज की जा सकती हैं, एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती हैं। और गवर्नमेंट यूज करती है आपके रिकॉर्ड को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाने के लिए, प्लान्स को सही तरह से डिसाइड करने के लिए, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का कोटा जो है उसको सही तरह से आप जो क्या कहते हैं उसको देने के लिए, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोटा जो है वो सही तरह से एलोकेट करने के लिए भी इसको यूज़ करती है। ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ काउंटिंग है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, एक मिनट प्लीज जी। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हैं ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर इसके लिए करनी है, इनके ऊपर आपने फोकस करना है, तो ये आपके अंदर यूज होती है ज़्यादातर बुक्स ऑफ जो जितने भी हमारे पास आगे आनी है आपका जो सिलेबस शामिल है। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस एंटिटी है। एंटिटी का वैसी बस अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है कोई किसी भी ज़ात को, किसी भी ऐसी चीज़ जिसका अलहदा से वजूद हो, जिसके अलहदा से आइडेंटिटी हो, वो क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। जब बिजनेस में आ जाएंगे या बिजनेस एंटिटी या जस्ट एंटिटी का नेम आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, और ये आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, सॉरी कंपनी भी हो सकती है। तो इसी तरह से बिजनेस एंटिटी में क्या ये आता है कि बिजनेस एंटिटी अपने मालिक से एक अलहदा हैसियत रखती है, उसकी अपने मालिक से ऑनर से अलहदा शनाख्त होती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी करती है क्या, बिजनेस एंटिटी कारोबार करती है, बिजनेस करती है, यानी कि उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, बेसिक मोटिव ये होता है कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है। क्या करना है जी, प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे, सेल एंड परचेज करके, किस चीज़ की, सर्विसेज या गुड्स की, सर्विसेज की या गुड्स की। गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज का कारोबार कर रही होती है बिजनेस एंटिटी वो क्या कहलाते हैं, वो गुड्स कहलाती हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल प्रोप्राइटरशिप इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक होता है, वही उसने सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज करना होता है बिजनेस को, और कोई दूसरा पर्सन उसके लिए यूज नहीं हो रहा होता, यानी कि वही उसको चला रहा होता है, वही उसके पास उसका मालिक होता है, उसी ने सब डिसीजंस लेने हैं। जिस तरह के आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके मालिक के अंदर शॉप्स जो हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप की, सिंगल पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप की बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है जी, ऑनरशिप डिवाइड हो जाती है और चंद लोग मिल के बिजनेस करते हैं, और उसमें जो हमारे वो जिन टर्म्स के ऊपर वो एग्री हो जाते हैं, एक कितना कोई लेके आएगा, क्या कहते हैं जिसको, कैपिटल लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसने लॉस हो गया तो किस रेशियो से शेयर होगा, ये सब चीज़ें आपस के अंदर तय होती हैं। जब ये तय हो जाती है इसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, या इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें थोड़ा सा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाती है, कैपिटल ज़्यादा हो जाती है, ठीक। और पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ये होती है कि ठीक है जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पास ये होती है कि इसके अंदर जो बिजनेस हमारे पास करते हैं, ये कंपनी करती है, इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत दे दी जाती है। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर के मुताबिक ये जो हमारे पास कंपनी है ये हम बनाते हैं, इसको फॉर्म करते हैं, और इसको लीगल राइट एज अ पर्सन होता है, यानी कि इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे दी जाती है, यानी कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है। इसकी मैनेजमेंट अलहदा होती है, इसके ऑनर अलहदा होते हैं, और कंपनी का नाम भी होता है, और इस तरह से कंपनी खुद चीज़ें खरीद भी सकती है और खुद चीज़ें बेच भी सकती है, और किसी से उधार ले भी सकती है और उधार दे भी सकती है, ठीक है। और जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, जिसके स्मॉल पार्ट्स में जो चीज़ें हम
कंपनी का तमाम की तमाम जो मिल्कियत है, ये तमाम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। वो जो छोटे छोटे हिस्से लोग खरीद लेते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स और मर्चेंडाइज। जी यहाँ तक समझ आ गई जी आपको, फॉर्म ऑफ बिजनेस की समझ आ गई है ये स्टूडेंट्स? जी सर। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है जी गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स और मर्चेंडाइज के हवाले से हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही बार, ये गुड्स क्या चीजें हैं, इसके बाद ये। अब अकाउंटिंग में इसका एक खास मतलब है, खास मीनिंग है। मतलब ये है कि जिस चीज का कारोबार किया जाता है वो गुड्स या मर्चेंडाइज कहलाते हैं। इनको इन्वेंट्री भी बोला जाता है, स्टॉक भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर ये दो वर्ड यूज होंगे, गुड्स और मर्चेंडाइज का। ठीक है, तो जिस चीज का जो भी बिजनेस कारोबार कर रहा है वो क्या कहलाता है जी, उसके लिए गुड्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा कारोबार क्लॉथ का कर रहा है तो उसके लिए क्लॉथ क्या है जी, गुड्स है। क्लॉथ डीलर के लिए क्लॉथ गुड्स हैं, वॉच डीलर के लिए वॉचेस जो हैं वो गुड्स हैं। ठीक है जी, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं आपके लिए। और बुक्स, तो जो बुक्स सेलर है उसके लिए क्या चीज है, बुक्स क्या होंगे उसके लिए गुड्स होंगे। स्टेशनरी के लिए क्या चीज है, स्टेशनरी क्या है, गुड्स है। और इसी तरह से ये हमारे पास ये जो चीज बताई जा रही है आप लोगों को, ये मुख्तलिफ चीज, ये क्या चीज है जी, कहते हैं वॉचेस बुट्स वॉचेस बुक्स स्टेशनरी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स फॉर क्लॉथ डीलर। मतलब ये है कि जो बंदा बिजनेस कर रहा है किसी और चीज का, यानी कि जो क्लॉथ जिसका कारोबार कर रहा है हमारे पास, कपड़े का कारोबार कर रहा है, उसके ये वॉचेस बुक्स और स्टेशनरी ये हैं क्या चीजें हैं, उसके लिए ये गुड्स नहीं है। ये स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई आप लोगों को इस कंसेप्ट की? जी सर समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है परचेजेस का। परचेज, जब हम गुड्स को खरीदते हैं ना, ये गुड्स जब बिजनेस के अंदर खरीदी जाती हैं तो इनको जब रिकॉर्ड किया जाता है तो इस अकाउंटिंग एक्ट के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, परचेजेस के नाम से। यानी कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है तो किसके नाम से रिकॉर्ड करना है, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करना है। तो जिस परचेजेस का क्या है जी, हमारे पास स्पेशल मीनिंग है कि यानी कि जब भी हम जिस चीज का कारोबार कर रहे हैं, यानी कि सेलेबल गुड्स, क्या मतलब सेलेबल गुड्स से क्या मुराद है, जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उन्हीं को हम सेल करेंगे ना। जिस चीज का हम कारोबार नहीं कर रहे हैं उनको क्या हम सेल करेंगे। एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, क्या वो आपके पास कोई दूसरी प्रोडक्ट्स रखेगा, क्या करियाने का सामान रखेगा अपनी दुकान पे? बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि उसका काम ही सेपरेट है। तो उसके लिए वो किराने का सामान नहीं रखेगा, वो क्या कहते हैं उसको, जनरल स्टोर के आइटम्स को अपने पास नहीं रखेगा सेल करने के लिए। इसलिए सेलेबल गुड्स जिसका आप कारोबार कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, आप जब भी वो खरीदेंगे तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने जब भी रिकॉर्ड करना है तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करना है। एक करियाने का बिजनेस कर रहा है, एक जनरल स्टोर का बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं, जब वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब भी उसने लिखना होगा परचेजेस के नाम से लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल वो चीनी खरीदता है बाजार से अपने शॉप पे सेल करने के लिए, वो घी भी खरीदता है, और उसके साथ साथ शैम्पू और क्या कहते हैं जी, उसके बाद कुछ आपके पास परफ्यूम है, उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें उसने खरीदी हैं। जब ये खरीद ली हैं तो उसको जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखेगा तो उनके नाम से नहीं लिखेगा, बल्कि जस्ट लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और उसने उधार पे खरीदी है तो क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट कर देगा, अगर नकद पे खरीदी है तो क्या करेगा, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया, तो इस तरह से उसने रिकॉर्ड करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैश परचेजेस। जब हम यही परचेजेस यानी कि गुड्स अगर हम नकद पैसों से खरीदें तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, ये कैश परचेजेस कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे हम खरीद रहे हैं वैसे ही उसकी फौरन पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर को, अपने खरीदार सेलर को, तो हम वो क्या कहलाएगी जी हमारे पास, कैश परचेजेस कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास कि एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर जी 5000 ऑफ 1 जनवरी 2005 एंड पेमेंट इज मेड टू सेलर मिस्टर वाई एट द सेम डेट। ठीक है, सेम डेट पे उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, कैश परचेजेस है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट परचेजेस आर परचेज ऑन अकाउंट। अगर ये वर्ड आ जाए आपका परचेज ऑन अकाउंट या क्रेडिट परचेजेस का मतलब ये क्या है जी, हमने उधार पे खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, उधार पे चीज खरीदी जा रही है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से अगर ये चीज जो हमने परचेज जिसका हम कारोबार कर रहे हैं, अगर अपने सेलर से या अपने सप्लायर से खरीदते हैं और उसकी पेमेंट हम कहते हैं फ्यूचर में करेंगे, कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं, क्या करते हैं जी, और सेम टाइम पे नहीं करते, क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए हम डिले कर देते हैं कि फ्यूचर में आपको पे की जाएगी, वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट परचेज कहलाएगी। तो इसी तरह से ये आपके पास एग्जाम्पल एक गिवन है हमारे पास के, क्या एग्जाम्पल गिवन है जी, कि मिस्टर ए परचेज्ड गुड्स ऑन 1st January, हमारे पास 2005 में एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स ऑन 15th जनवरी 2005, पेमेंट हैज नॉट मेड ऑन 1st, आपके पास यानी कि 1 जनवरी 2005 को उसने पेमेंट नहीं की, तो इसका मतलब क्या है जी, ये विल बी क्रेडिट परचेज ऑन 15th January, मिस्टर विल ए विल पे टू मिस्टर बी, इसका क्या मतलब है कि कुछ टाइम के बाद यानी कि एक दिन के बाद पे करें आप या फिर आप तो शाम को पे करें, तो जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। ये क्रेडिट परचेज की आपको समझ आ गई जी, या परचेज ऑन अकाउंट की और कैश परचेज और गुड्स का कंसेप्ट क्लियर है सबको, आपको कंफ्यूज तो नहीं होगा गुड्स के हवाले से, गुड्स के नेम से या इन चीजों से। जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। हमने गुड्स खरीद ली, ठीक है, गुड्स खरीदने के बाद हुआ ये कि उसको अंदर कुछ फॉल्टी गुड्स थी या कोई उनके अंदर कुछ ऐसा था कि जो ठीक नहीं थी, हम या ज्यादा थी, हमने क्या कर दिया, हमने अपने सेलर को वापस कर दिया, तो हमने सेलर को वो गुड्स वापस की, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, रिटर्न टू सप्लायर कहलाएंगी, ठीक है, या फिर इसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं और उसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास ये मेंशन है ऊपर ऊपर के रिटर्न आउटवर्ड्स कि हम अपने हमारी तरफ से चीज़ें वापस जा रही हैं। और उसके बाद क्लास का टाइम ये एंड होने वाला है, जस्ट 1 मिनट रह रहा है, इसके बाद हम नई क्लास की आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा तो उसमें आएंगे। अभी हम इनको काउंटिंग टर्म्स को आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कल में हम अपने सिलेबस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी परचेजेस डिस्काउंट या एंड सेल्स डिस्काउंट। सप्लायर जो है हमारे पास जो बेचने वाला है वो जो अपने बायर को डिस्काउंट देता है वो क्या कहलाता है जी, परचेज डिस्काउंट कहलाता है। और जो हमारे पास सेलर है उसके लिए ये सेल्स डिस्काउंट होता है, और जो खरीदार है उसके लिए क्या होता है, परचेज डिस्काउंट होता है। अगर कोई बंदा बाजार से कोई चीज खरीद रहा है उसको कुछ डिस्काउंट मिला है, वो कस्टमर के लिए क्या है जी हमारे पास, उसको परचेज डिस्काउंट बोला जाएगा, और उसके लिए किसके लिए, सेलर के लिए क्या बोला जाएगा, सेल्स डिस्काउंट बोला जाएगा। नेक्स्ट जी, तो यहीं तक किया, फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास शुरू करते हैं, तो फिर हम ओके।